बहू बनी बसंती। मीनल एक दिन शोले देख रही होती है। उसे बसंती का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। उसने बसंती को देखने के लिए कई बार शोले देखी होती है। उसे वो कैरेक्टर इतना पसंद आ जाता है कि उसे खुद पता नहीं चलता कि कब वो खुद बसंती की तरह बात करने लग जाती है। एक दिन उसका पति संजय उससे कहता है, मीनल मेरी घड़ी कहाँ रखी है? टेबल पर ही तो रखी थी, मिल नहीं रही। अब मैं बोलूंगी तो बोलो क्योंकि बोलती है, क्योंकि देखने वाली बात ये है कि जब घड़ी घर में है ही नहीं तो टेबल पर रखी होगी कैसे, क्योंकि अगर रखी नहीं होगी तो मिलेगी कैसे। अरे क्या बोल रही हो मीनल, साफ साफ बोलो ना। क्योंकि मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देती हूँ कि आपकी घड़ी हो गई थी बंद, तो आपने कहा था कि दुकान में दे आओ बनवाने को। अब दे आए हो तो चूंकि आपको याद ही नहीं है। याद आया, मैंने ही तो कहा था तुमसे। देखो अब हो गई ना बात साफ, तो आप कहोगे कि सॉरी मीनल मैंने तुम्हारा सुबह का वक्त खराब किया, पर देखने वाली बात है कि वक्त तो खराब हुआ ही है, पर मीनल इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि अपना और वक्त खराब करे, इसलिए मैं जा रही हूँ किचन में। जय राम जी की। मीनल किचन में चली जाती है और संजय हैरान रह जाता है। अरे बहू आज क्या बन रहा है खाने में? मम्मी जी खाने में तो वही बनेगा ना जो सब्जी आपके बेटे खरीद के लाए थे, गोभी लाए थे तो वही बना रही हूँ। अब समझने वाली बात ये है कि आपको अगर कुछ और बनवाना था तो आप कह देती तो मैं बना देती, मीनल को तो कभी कोई काम करने में आलस आता ही नहीं। अरे बहू बस कर, तू तो रह लगाड़ी की तरह बोलती ही चली जा रही है। मम्मी जी वैसे तो मेरी आदत ज्यादा बकबक करने की है नहीं, वो तो आपने मुझसे पूछा कि क्या बना रही हो तो मैंने आपको बता दिया, आप नहीं पूछती तो मैं नहीं बताती, क्योंकि ये तो वही बात हो गई ना कि उल्टा चोर कोटवाल को डांटे, एक तो आप मुझसे पूछती हैं, फिर उल्टा मुझसे ही बोल रही हैं कि मैं कैसे रेलगाड़ी की तरह डर से बोली जा रही हूँ। ओ बस 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 जा रही हूँ मैं बहू। हाँ हाँ तो जाइए ना, मैंने थोड़ी ना आपको रोक कर रखा है कि रुकिए मेरे साथ बातें करिए। मीनल की बक बक बंद ही नहीं हो रही थी और उसकी सास रसोई से बाहर चली जाती है। बाप रे बाप, बोल बोल कर बहू ने तो मेरे कान में ही दर्द कर दिया, लगता है कि इसमें बसंती की आत्मा आ गई है। मीनल अपने कमरे में मैगजीन पढ़ रही होती है तभी उसकी सास वहाँ आती है। अरे मम्मी जी आज आप इस वक्त मेरे कमरे में, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पर आप इस वक्त सो रही होती हैं तो इसलिए मैंने पूछा, वरना मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, क्योंकि आप सास हैं, आप कभी भी कहीं भी आ जा सकती हैं। ओफो बस भी कर बसंती, मेरा मतलब है मीनल, और मेरी बात ध्यान से सुन। मम्मी जी मैं कब आपकी बात ध्यान से नहीं सुनती? अरे संजय के जन्मदिन के लिए मैं और तेरे ससुर उसे एक सोने की चेन देने की सोच रहे हैं, क्या लगता है तुझे पसंद आएगी ना उसे ये गिफ्ट? क्योंकि सोचने वाली बात ये है कि इन्हें मैंने कभी सोने की चेन पहने तो देखा नहीं, अब देखा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि इन्हें चेन पसंद आएगी या नहीं आएगी। ओफो बंद करना अपना ये रेडियो प्रोग्राम, बस मैं तुझे बताने आई थी कि उसके जन्मदिन के लिए ये सरप्राइज है तो तू उसे बताना मत, ठीक है? मम्मी जी मैं कहा किसी को कुछ बताती हूँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, चूंकि देखने वाली बात ये है। हाँ वो जो भी बात है ना मुझे नहीं पता करनी, मैं जा रही हूँ। जय राम जी की। जय राम जी की। पूरा परिवार साथ बैठकर नाश्ता कर रहा होता है और संजय फोन पर न्यूज पढ़ रहा होता है। क्योंकि वैसे तो आप एक साथ एक बार में कई काम कर सकते हैं, पर सोचने वाली बात ये है कि एक बार में दो काम करने चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर आप फोन पर ध्यान लगाएंगे तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा और नाश्ता ठंडा हो गया तो आपको पसंद नहीं आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है रख दिया मैंने फोन, बस तुम शुरू मत हो जाओ फिर से। मैं तो न्यूज में देख रहा था कि सोने के रेट कितने बढ़ गए हैं। हाँ बेटा महंगाई बढ़ रही है ना। मीनल सोने की बात सुनकर रसोई से बाहर आ जाती है।
हाँ, सोने के रेट बढ़ तो गए हैं, पर सोचने वाली बात ये है कि क्या अभी भी लोग सोना खरीदेंगे, और अगर वो सोना खरीद रहे हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता है। अब जैसे कि मम्मी जी हैं, जो आपके जन्मदिन के लिए सोने की चेन बनवा रही हैं। थत्तिर की सोने की चेन मेरे जन्मदिन के लिए? सास और ससुर मीनल की तरफ देख कर अपना सर पकड़ लेते हैं। क्योंकि अब सोचने वाली बात यह है कि गलती तो मुझसे हुई है, तो माफी भी मांग ही लेती हूँ, पर सवाल ये उठता है कि माफी मिलेगी या नहीं। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी माफी। मीनल के बसंती बनने के चक्कर में हो गया बर्थडे सरप्राइज का सत्यानाश।